हेलो दोस्तों, आज हम लिखने वाले हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर 250 शब्दों में निबंध। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर यह निबंध आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। निबंध श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की लोकप्रिय पसंदीदा नेता थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था, जो भारत के प्रधानमंत्री भी थे, और उनकी माता का नाम कमला नेहरू था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इंदिरा गांधी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की। उच्च अध्ययन के लिए वह इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड गई। 1942 में उनकी शादी श्री फिरोज गांधी से हुई। उनके दो बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी थे। में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। उन्हें राजनीति के बारे में गहन समझ थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जब तक कि भारत में अगला चुनाव नहीं हुआ। इंदिरा गांधी दो बार भारत की प्रधानमंत्री थीं। वह 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने सांप्रदायिकता और संप्रदायवाद के खिलाफ निडर होकर लड़ाई लड़ी। इंदिरा गांधी अपने नेतृत्व कौशल के लिए जानी जाती थी। उनमें दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति थी। 1971 में पाकिस्तान को हराने के पीछे वह महिला थी। इंदिरा गांधी को भारतीय राजनीति में उनके साहसिक फैसलों के लिए भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। राष्ट्र को उनकी सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति से भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया। 31 अक्टूबर 1984 की काली बुधवार की सुबह उनके आवास पर उनके दो सुरक्षा गार्डों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु से भारत ने एक योग्य निर्माता को खो दिया। धन्यवाद।